हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप अभिषेक के साथ। एंड आई होप आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही हो। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो आई रिकमेंड आप मेरे प्लीज़ पुराने सारे वीडियो को देखें इस नए वीडियो को चेक करने से पहले। सो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारे डोलर फिश के बारे में। ये हमारी ऑल अबाउट फिश के सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम हर एक फिश के बारे में कवर करते हैं। तो आज की फिश जो हम कवर करेंगे वो होगी डोलर फिश। किस तरीके से उसे रिक्वायरमेंट होती है, क्या टैंक साइज चाहिए, उसके टैंक मेट्स क्या होते हैं, उसको रहने लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए एंड उस फिश का नेचर क्या होता है। तो ये सारी बातें हम अपने आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने वीडियो में एक अपने सब्सक्राइबर का टैंक को फीचर करना चाहूँगा जिसका टैंक बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। उनका नाम है प्रसाद मोर और उनका एक टैंक इकले टैंक है। इन्होंने अभी अपने टैंक में सेटअप किया है एंड उन्होंने मैं फिश को कितनी अच्छी तरीके से रखा है। उन्होंने हर एक फिश को अपने काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है। सो आज के वीडियो में उनके टैंक को फीचर करना चाहूँगा। सो अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके टैंक को फीचर करूँ अपने वीडियोज़ में, सो आपने आप टैंक के वीडियोज़ बना के मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप मेरे को DM कर सकते हैं, आपको मैं अपनी वीडियो शो कर सकते हैं। इनके टैंक के बाद अब हम जो कवर करेंगे वो होंगी डोलर फिश के बारे में कि डोलर फिश को किस तरीके से रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। डोलर फिश बहुत ही पीसफुल फिश होती है, मतलब ये किसी के साथ भी चल जाती है, ये किसी को भी अटैक नहीं करती, किसी को हार्म नहीं करती, किसी को भी ज़्यादा अग्रेसिव नेचर शो नहीं करती। पीसफुल होने की वजह से आप इस फिश को कम्युनिटी टैंक में रख सकते हैं। कम्युनिटी टैंक में जनरली हम उन्हें फिश को रखते हैं जो फिश दूसरों के साथ कंपैटिबल होती है, जिनको हम ऑलरेडी किसी फिश के साथ रख सकते हैं। सो डोलर फिश उन्हीं में से एक होती है। डोलर फिश की अगर हम केयर की बात करें सो डोलर फिश को केयर करना बहुत ही आसान है। उसको आपको ज़्यादातर किसी भी एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा नेट की, एक्स्ट्रा वाटर की, एक्स्ट्रा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसको केयर करना बहुत ही आपका ईजी होता है और अगर आप उनको ध्यान रखें तो हो सकता है ये आपकी फिश एटलीस्ट 10 से 11 साल तक सर्वाइव करें, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो एटलीस्ट 10 ईयर का तो होता ही है और ये फिश आपकी ईजिली 10 साल तक जी सकती है अगर आप इनकी अच्छे से केयर करें तो। इनकी लाइफ के अलावा ये आपकी सारी स्कूलिंग फिश होती है। स्कूलिंग फिश से मेरा मतलब कि वो फिशेज जो ग्रुप में रहती है एंड डोलर फिश उसी में से एक टाइप की फिश है। सो आई रिकमेंड जब भी आप डोलर फिश को अपने टैंक में रखें तो एटलीस्ट मिनिमम 4 या फिर 5 फिशेज तो रखें, क्योंकि इन्हें ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। अगर आप इन्हें एक या सिर्फ 2 फिशेज रखोगे तो हो सकता है ये स्ट्रेस में आ जाए और अपने ग्रोथ और अपने वहाँ पर टैंक में अच्छे से फिट ना हो पाए। जब भी फिश स्ट्रेस में आती है तो उसकी ग्रोथ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। किसी भी फिश के साइज को ग्रो करने के लिए फिश का स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है एंड ये सारी फिशेज ज़्यादातर सरफेस पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फिशेज जो स्किकल फैमिली से या फिर हार्ड फिशेज होती है वो सारी फिशेज आपकी बॉटम फीडर होती है या फिर पानी के नीचे की तरफ रहती है। बट जैसे टिनफॉल बॉब है या फिर आपकी डोलर फिशेज है, ये सारे फिशेज ईजिली सरफेस में जाके ही स्विम करती है और अगर आपके टैंक में कुछ भी चेंजेस होती है, कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो हो सकता है कि आपके टैंक से जंप करके बाहर आ जाए। अगर आपके टैंक में डोलर फिश या फिर टिनफॉल बॉब फिशेज है तो अपने टैंक में एटलीस्ट उन्हें कवर रखें ताकि वहाँ पर उन्हें जंप ना करें। डोलर फिश के टैंक साइज एंड वाटर कंडीशन की बात करें तो डोलर फिश को छुपना बड़ा पसंद है। सो अगर आपके टैंक में आप डोलर फिश रख रहे हो सो आई रिकमेंड आपके पास एटलीस्ट 2 या 3, अगर आपका 4 से 5 फीट का टैंक है तो एटलीस्ट 2 से 3 आप उनके लिए हाइडिंग स्पेस दे ताकि वहाँ पर जाके ईजिली छुप सके अगर वो स्ट्रेस कंडीशन में है। एंड जितना ज़्यादा आप इनको स्पेस दोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, ईजिली बढ़ेगी। वाटर करंट की बात करें तो इन्हें मॉडरेट वाटर करंट चाहिए, ना ही ज़्यादा स्लो चाहिए ना ही ज़्यादा फास्ट चाहिए। फास्ट होने की वजह से इनके स्विमिंग पैटर्न चेंज हो सकते हैं तो इनके वाटर करंट आपको मॉडरेट चाहिए। उसको वाटर करंट को कंट्रोल करने के लिए आप अपने फिल्टर के आगे कोई भी पाइप लगा सकते हैं ताकि उनका वाटर करंट क्या हो, कंट्रोल हो जाए। इनके लिए एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनको डोलर फिश के टैंक में रख रहे हो तो इनके लिए एटलीस्ट 3 फिट का टैंक चाहिए ताकि वो साइज़ गेन करें। बट अगर आप इनको कम्युनिटी टैंक में रख रहे हो तो एटलीस्ट इन्हें 4 से 5 फिट का टैंक ही लीजिए। हमारे पास मार्केट में या एक्वेरियम शॉप्स में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की डोलर फिश आती है, जिसमें से कुछ आपकी बहुत कॉमन है। एक सिल्वर डोलर फिश होती है जो आपको इजीली हर एक शॉप पे मिल जाएंगे। उसके बाद एल्बाइनोस होती है, एल्बाइनो थोड़ी सी इंडिया में थोड़ी रेयर है क्योंकि वो बहुत कम लोग रखते हैं। उसके बाद जो रेयर फिश है हमारे स्पॉटेड डोलर फिश है, रेड हुक डोलर फिश है, ये सारे कुछ उन टाइप के डोलर फिश है जो आपको डिफरेंट टाइप के डोलर फिश में मिल जाते हैं। बट ये इंडिया में अवेलेबिलिटी इसकी अभी थोड़ी सी कम है। इन सभी के बाद डोलर फिश जो होती है एक कम्युनिटी टैंक में रह सकती है, मतलब कि ये आपका अगर इसके नेचर की बात करें तो ये आपके सेमी एग्रेसिव फिश है।
मतलब ज़्यादा किसी को अटैक नहीं करते, मतलब पीसफुल लविंग फिश है, तो आप इसको किसी भी मेट के साथ रख सकते हो। बट आई रिकमेंड अगर आपका टैंक साइज छोटा है तो इनको सॉफ्ट फिशेज के साथ ना रखें। अगर आपका टैंक एटलीस्ट 4 से 5 फीट का है तब आप सोच सकते हो कि इनको आप किसी सॉफ्ट फिशेज के साथ रखें ताकि इन्हें स्विम करने की ईजी जगह मिले और एक दूसरे को अटैक ना करें। सो हमारे पास जो यहाँ पर मेट्स इनके आएंगे, अगर सेमी एग्रेसिव फिशेज में आप इन्हें कोई के साथ रख सकते हो, पाको फिश है, पैरेट फिश है, कैट फिश है, किकलेट फिश है, ग्रीन टेरर है, ये सारे फिशेज के साथ इनको आप रख सकते हो। इनके अलावा जो इनकी टेम्प वाटर कंडीशन होनी चाहिए, इसका पीएच आपको 5 से 5.5 या 7.5 या फिर इनका टेम्परेचर 72 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका चल सकता है। अपनी डोनर फिश को जो मैं यहाँ पर फूड प्रीफर करता हूँ, डोनर फिश के लिए क्या होती है, डोनर फिश एक ओमनीवोरस फिश है, और आप यहाँ पर फूड के लिए ऑप्टिमम का फूड यूज़ कर सकते हैं, वाक का फूड यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा बीटा हिकारी है, ये सारे फूड डोनर फिश की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इसका प्राइस होगा, ये प्राइस हर एक एरिया के हिसाब से डिपेंड, हर एक एरिया के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो मैंने जो अभी डोनर फिश ली थी वो एटलीस्ट 100 से 200 रुपये पेयर के बीच में थी। मेरे पास एग्जैक्ट प्राइस मेरे को याद नहीं हुआ, आई थिंक 125-130 रुपीज़ पेयर के हिसाब से थी। बट अगर आप पूरे इंडिया के रेंज की, एक मार्केट रेंज की बात करो, तो आपको 100 से 200 पेयर के हिसाब से आपको डोनर फिश मिल जाएगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अब तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।